पांचवें अध्याय का जो सत्रवां मंत्र है उसमें कहा गया हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्, कहा कि ये संसार की सच्चाई है ये एक चमकीले आवरण से ढकी हुई है, एक चमकीला आवरण ढका हुआ है इसे। और कहते भी तो है कि क्यों मरते हो देख कर तुम बाहर की सफाई पर, अरे यहाँ तो सोने की परत चढ़ी हुई है गोबर की मिठाई पर। पूरे शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, बाहर ये चमकीली परत है जो हमें दिखती है और उस पर हम आकर्षित होते हैं। और इससे आगे फिर कहा योग दर्शन में आया जिसका भाष्य व्यास जी करते और कहते हैं परम भी भक्स, कहते हैं ये जो शरीर है ना ये अत्यंत घृणित है, ये शरीर इतना घृणित है, इस छोटे से शरीर में 9 द्वार है जहां से गंदगी निकलती है, 2 आंखों में डीडे आ जाती है, नाक के 2 द्वार है यहाँ से गंदगी निकलती है, मुख है, 2 कान है, हमारा पेशाब करने का स्थान है, हमारा मलमूत्र त्यागने का स्थान है, हमारे इतने स्थानों से गंदगी निकलती है। विचार करो कोई सुंदर लड़की हमें दिख जाए उस पर आकर्षित हो, सोचो उसके कानों में गंदगी आई हुई, जो सफेद रात सी आती है ना सोचो वो आई हुई, नाकों में बिल्कुल चिपचिपा और डीड आती वो आई हुई है, नाक में गंदगी आई हुई है, मुंह में लार बलगम आई हुई है, बिल्कुल पूरा शरीर और तो छोड़ो रोम रोम से गंदगी निकलती है, क्या मैं इसके पूरा अपना जीवन बर्बाद करूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे ऋषियों ने पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है कि शरीर पर आकर्षित ना हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके फिर आप अपने अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव से विवाह करें, लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब इन प्यार मोहब्बत आशिकी की चीजों में मत फंसो, इससे दूर रहो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, परमात्मा ने जो आपको सुंदर